खरगोन शहर के अंजुमन नगर क्षेत्र में रविवार को मुस्लिम समाज के परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें 200 से अधिक विवाह योग्य युवक युवतियों ने अपने पसंद के जीवन साथी की चाह में अपना परिवार और जीवन साथी में क्या खूबी हो इसका परिचय दिया। संभवत यह पहला मौका है जब मुस्लिम समाज ने अन्य समाजों की तर्ज और परिचय सम्मेलन रखा और युवतियों ने भी रूढ़िवादी परंपराएं तोड़कर मंच पर बेबाकी से अपनी बात रखी। आयोजन समिति के रिया शेख ने बताया, मुस्लिम समाज में पढ़े लिखे लोग काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन उन लोगों को अपनी इच्छा अनुसार पति या पत्नी नहीं मिल पाते, इसलिए इस तरह के परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें उन्हें अपना जीवन साथी तलाशने में आसानी होगी। उनका कहना है कि इस तरह के कार्यक्रम आगे भी लगातार होते रहेंगे। जिले सहित प्रदेश भर के समाज जन शामिल हुए। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। मेरा नाम अकील है, मैं कारागिरी काम करता हूँ और मेरा वालिद साहब का नाम अहमद गुलाम बसुल तेली है और मेरे अम्मी का नाम अस्तिना जी है। मेहमानी करता हूँ परम्परा खरगोन देखता हूँ और सिंगाना में काम करता हूँ। सिंगाना 5'2" की हाइट है और एवरफ्रेश की दुकान है आपकी गांधीनगर खरगोन। बहुत शुक्रिया। हम सफर जो समाज में जिन लड़का लड़कियों के किसी वजह से जानकारी के अभाव में निकाह नहीं हो पा रहे थे उनकी फिक्रों को लेकर मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक विकास कमेटी एवं जिला मुस्लिम कमेटी के तत्वाधान में आयोजन किया है, जिसमें समाज के सभी जिम्मेदारों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और आयोजन का मकसद यह है कि समाज की जो बहन बेटियाँ भाई साथी से रुके हुए हैं उनका आपसी मेल करवा कर निकाह करवाना। पहली बार देखा गया है, आज तक कभी हुआ नहीं। दूसरी जगह होते रहते हैं लेकिन खरगोन जिले में मैं कहूँगा निमाड़ में पहली बार ये आयोजन हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान करम है कि प्रदेश भर से लोग हजारों की तादाद में शामिल हुए हैं और आयोजन को कामयाब बनाया है। तो कहाँ कहाँ से लोग तशरीफ लाए? मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों के और महाराष्ट्र से, गुजरात से और आसपास के प्रदेशों से भी लोग आए हैं। क्या नाम है आप? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।